देखो इसमें आपका टॉपिक क्या है, आईओटी प्रोटोकॉल। देखो इसमें आपने क्या लिखा हुआ है कि आईओटी प्रोटोकॉल हेल्प एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन आईओटी डिवाइस एंड क्लाउड बेस्ड सर्वर ओवर द इंटरनेट। इट हेल्प टू सेंड कमांड टू आईओटी डिवाइस एंड रिसीव डेटा फ्रॉम एंड आईओटी डिवाइस ओवर द इंटरनेट। यानी आईओटी प्रोटोकॉल क्या होते हैं, आईओटी डिवाइस और क्लाउड सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको एस्टेब्लिश करने में आईओटी प्रोटोकॉल क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे हम मान लो कोई भी डेटा क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और इनपुट करने के बाद में डेटा हमारा किसके पास जाता है, सर्वर के पास में जाता है। और सर्वर के पास में जाने के बाद में क्या होता है, डेटा हमारा किसके पास जाता है, क्लाउड सर्वर के पास क्या होता है, डेटा आपका स्टोर हो जाता है। यानी क्या करता है, डेटा को सेंड भी करता है और डेटा को रिसीव भी करता है। इन सब में हम किसकी हेल्प लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ आईओटी प्रोटोकॉल की हेल्प लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट डालिए इसमें लिंक लेयर प्रोटोकॉल। लिंक लेयर प्रोटोकॉल ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, इस पे ध्यान से दीजिएगा और जिसमें आपके वाइनर क्वेश्चन भी बनेंगे एमसीक्यू। डालिए लिंक लेयर प्रोटोकॉल। लिंक लेयर प्रोटोकॉल इसमें लिखिए, लिंक लेयर प्रोटोकॉल डिटरमाइन लिंक लेयर प्रोटोकॉल डिटरमाइन डिटरमाइन हाउ डेटा इज सेंड ओवर द नेटवर्क फिजिकल लेयर और मीडियम फॉर एग्जाम्पल कॉक्सियल केबल अंडरलाइन करिएगा कॉमा रेडियो वेव ईटीसी। लिंक लेयर प्रोटोकॉल क्या होता है कि किसी मीडियम से फिजिकली डेटा को हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और सेंड करने का मीडियम क्या होता है, तो हमारा कॉक्सियल केबल होना चाहिए या फिर रेडियो वेव होना चाहिए। इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। वायर कितने टाइप के होते हैं, पढ़ा होगा आपने, कितने टाइप के होते हैं वायर, थ्री टाइप के होते हैं वायर। एक आपका होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक आपका होता है कॉक्सियल केबल और एक आपका होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये थ्री प्रकार के होते हैं आपके केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होते हैं, पता है किसी को ट्विस्टेड पेयर केबल, ये भी आपके पढ़े वाले बने क्वेश्चन की ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल
ये हमेशा दो पेयर में आते हैं, आपने देखा होगा या तो रेड व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, या तो ब्लू व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है, या तो रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, जो आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। और ये तार क्या होते हैं, इतने लचीले होते हैं, इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि इनको जैसे चाहो वैसे आप मरोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये वायर देख रहे हो, ये क्या है, ये आपके ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं। ठीक, और जो आपके फाइबर ऑप्टिकल केबल होते हैं, इनका यूज क्या होता है, ये तार कहाँ पड़े होते हैं, समुद्रों में पड़े होते हैं, जिनके थ्रू आप डेटा का क्या करते हो, आदान प्रदान करते हो। तीसरा आपका होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल, वो क्या होते हैं, कहाँ पड़े होते हैं, समुद्रों में होते हैं ना। और अभी आपने लिखा है कॉक्सियल केबल, ये क्या होते हैं, ये काफी महंगे तार आते हैं और इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे आप एसी देखते हो या फ्रिज देखते हो, इन सब में इनका इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लिंक लेयर प्रोटोकॉल में किसका यूज करते हो, किसके थ्रू अपने डेटा का आप सेंड करते हो, उसका मीडिएटर कौन होता है, या तो कॉक्सियल केबल होना चाहिए या फिर रेडियो वेव होना चाहिए। ये आपके दोनों क्या बनेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं कि लिंक लेयर प्रोटोकॉल में आप किसके थ्रू अपने डेटा का आदान प्रदान कर सकते हो। तो उसमें ऑप्शन देगा या तो कॉक्सियल केबल दिया होगा या फिर रेडियो वेव दिया होगा, या फिर दो तीन ऑप्शन और दिए होंगे। तो आपको क्या चूज करना होगा, जो आंसर उसमें होगा उस पे आप टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ लीजिए। अच्छा ये बताइए, क्लाउड सर्वर क्या होता है, क्लाउड सर्वर जरा बताइए, क्लाउड सर्वर, व्हाट इज क्लाउड सर्वर, बताइए, पूछते हैं एमसीक्यू में क्लाउड सर्वर का यूज क्या है, इसका यूज किस लिए किया जाता है क्लाउड सर्वर का, लिख लो, इसको नहीं पता है लिख लो। क्लाउड सर्वर एक वेब होस्टिंग सर्वर है, क्लाउड सर्वर एक वेब होस्टिंग सर्वर है जो अपने यूजर को वेबसाइट कॉमा एप्लीकेशन, अंडरलाइन करिएगा, वेबसाइट कॉमा एप्लीकेशन कॉमा ऑनलाइन सर्विस, वेबसाइट कॉमा एप्लीकेशन कॉमा ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डाल लो इसमें, रेडियो वेव क्या होते हैं। अच्छा अभी आपने लिखा ना इसमें रेडियो वेव क्या होते हैं, रेडियो वेव ये तो पता हो गया कि कॉक्सियल केबल एक तार होता है, एक वायर होता है, जिसके थ्रू अपने डेटा का हम आदान प्रदान करते हैं, बट रेडियो वेव क्या होता है, आपने पढ़ा होगा टेंथ में, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा साइंस में, रेडियो वेव। यानी एक माध्यम में प्रसारित होने वाली क्या होती हैं, चुंबकीय विद्युत तरंगे होती हैं, उनको क्या कहते हैं, रेडियो
हेड वेव कहते हैं, साइंस में पढ़ा ना सभी लोगों ने। नेक्स्ट डाल लो इसमें, जो इसके एग्जाम्पल है उनपे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यू बेस पे ही आएगा, तो उसमें उसमें वही देगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल का किसमें यूज किया गया है। डालिए इसमें, Ethernet। लिखिए Ethernet is a set of technologies and protocol that are used in wire LAN standardized in 1980s by स्टैंडर्ड। अंडरलाइन कर लीजिएगा, IEEE का फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। यानी 802.3 इथरनेट का क्या है, ये एक वर्जन है। इसमें आपने क्या लिखा है कि इथरनेट इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल दैट आर यूज्ड इज वायर लैन। इट वाज फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड इन 1980 बाय 802.3 स्टैंडर्ड। यानी ये क्या है, ये भी लैन का क्या है, इसका यूज किसमें किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में इसका यूज
किया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1980 में हुई थी। और ईई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी, तो इसका लिख लीजिए 1983, इथरनेट की खोज हुई है 1983 में, इसका ये लिख लीजिए 1983। और किसने की है वो भी लिख लीजिए, बॉब मेटकॉफ, इसकी खोज हुई है, किसने किया है, बॉब मेटकॉफ ने किया, और कब किया है, 1983 में किया है, किसकी, इथरनेट की। नेक्स्ट एलो वर्जन इसका 802.11 वाईफाई, इसमें लिखिए द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ब्रैकेट लिख लीजिए डब्लू लैन, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इन वेरियस फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, ब्लैक्स लिखिएगा 2.0 गीगाहर्ट्ज, अंडरलाइन करिएगा, कॉमा 5 गीगाहर्ट्ज, कॉमा 60 गीगाहर्ट्ज ईटीसी। अब 802.11 वाईफाई क्या है, ये भी किसका पार्ट है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल का ही, ये भी क्या है, ये भी एक पार्ट है। और इसकी फ्रीक्वेंसीज कितनी होती है, 2.0 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज और 60 गीगाहर्ट्ज होती है।
ये भी आपके वन लाइनर में क्वेश्चन बन सकता है कि जो 280.1 वाईफाई होते हैं उसमें कौन कौन से गीगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, तो आपको इन ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। और पूछता है कि किसका पार्ट, तो आपको क्या बताना है ये किसका पार्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क का ही प्रोटोकॉल है क्या, ये भी एक पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है इसका 802.116 वाई मैक्स, 802.16 Y max लिखे इसमें द स्टैंडर्ड फॉर वाई मैक्स, द स्टैंडर्ड फॉर वाई मैक्स टेक्नोलॉजी इज अ स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस ब्रैकेट में लिखिए WMAN ब्रैकेट बंद, दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय वर्किंग ग्रुप नंबर सिक्सटीन ऑफ, अंडरलाइन करिएगा, IEEE और WMAN को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ब्रॉडबैंड वायर ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस देखो इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो वाई मैक्स है इसका वर्जन कौन सा, तो आपको क्या बताना है 802.16 बताना है। फिर पूछ सकता है कि इसमें किसका यूज किया गया, तो वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज किया गया है। फिर पूछ सकता है
इसमें किसका यूज किया है, 16 ऑफ इसका फुल फॉर्म क्या है, IEEE का इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछता है किस पे काम करता है, तो ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रॉडबैंड पे ये काम करता है, ठीक। नेक्स्ट डाल लो इस पे अगला 802.15.0।
लिख लिया नेटवर्क लेयर हेडिंग है सेंटर हेडिंग नेटवर्क लेयर ऑब्लिक इंटरनेट लेयर ये जो आपने लिखा हुआ है 802.15.4 LRWPAN इसका मतलब क्या है लोअर रेट WPAN मतलब क्या है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना इस और इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा ZigBee क्या है ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इसका यूज कहाँ होता है स्मार्ट होम ऑटोमेशन पूछा ना पूछा क्या होता है पता चल गया और इसका यूज कहाँ से मान लो कोई लो कॉस्ट है येलो स्पीड के रिक्वायरमेंट होती है वहां पे इसका यूज हम करते हैं और पूछा गया कि ये एक मैक और फिजिकल लेयर को भी डिफाइन करता है मैक क्या होता है बताइए मैक व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैक ये भी पूछ सकता है कि जो आपका 802.15.0 जो वर्जन है इसमें जो मैक है ये क्या वर्क करता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैक का ये मैक और फिजिकल लेयर दोनों को डिफाइन करता है आपका WRWPAN फिजिकल एड्रेस होता है हाँ फुल फॉर्म क्या होता है इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म इसका लिख लो मीडिया एम से मीडिया हो जाएगा ए से एक्सेस हो जाएगा सी से कंट्रोल हो जाएगा लिख लो मीडिया एक्सेस कंट्रोल मीडिया एक्सेस कंट्रोल नेक्स्ट आलो हेडिंग लिखो इसमें नेटवर्क लेयर में नेटवर्क लेयर के दो नाम है एक तो है नेटवर्क लेयर दूसरा है इंटरनेट लिखे इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग responsible for sending of
आईपी डेटाग्राम ऑफ आईपी, आईपी का फुल फॉर्म प्रोटोकॉल, आईपी डेटाग्राम फ्रॉम द सोर्स नेटवर्क, फ्रॉम द सोर्स नेटवर्क टू द डेस्टिनेशन नेटवर्क, टू द डेस्टिनेशन, अंडरलाइन करिएगा, डेस्टिनेशन नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क फुल स्टॉप। यानी नेटवर्क और इंटरनेट लेयर क्या होती है कि आईपी डेटाग्राम को सोर्स नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क तक सेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, नेटवर्क लेयर या फिर इंटरनेट लेयर की होती है। नेक्स्ट डाल लो इसमें, इसी के अंतर्गत हेडिंग है IPv4, IPv4 ये शायद आपने पहले पढ़ा होगा फर्स्ट पेपर में, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा ना IPv4, लिखे इसमें द एड्रेस आर 32 बिट, द एड्रेस आर 32 बिट, अंडरलाइन करेगा 32 बिट को, फुल स्टॉप। It provide broadcast messaging ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग को अंडरलाइन कर लीजिएगा, अब जो ये IPv4 एड्रेस होता है कितने बिट पे तैयार होता है, 32 बिट पे तैयार होता है, और इट प्रोवाइड ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग, यानी इसमें क्या होता है, अच्छा ये बताइए ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग क्या होता है, जो 8 में बांट दे, आप मैसेज करते हो हर किसी पर्सन को, यानी सेव की गई कंटेंट की कोई लिस्ट होती है जिसको आप बार बार क्या करते हो, मैसेज भेजते हो, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ लो IPv6 लिखे द एड्रेस आर द एड्रेस आर 128, अंडरलाइन करिएगा 128 बिट, फुल स्टॉप। इट डस नॉट
इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग यानी IPv6 ये कितने बिट पे तैयार होता है 128 बिट पे तैयार होता है और ये ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग की सुविधा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट डाल लीजिए ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हेडिंग है ना? हाँ हेडिंग है। ट्रांसपोर्ट लेयर लिखे इसमें दिस लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड दिस लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफर कैपेबिलिटी मैसेज ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंडिपेंडेंट of the underlying network underlying the network underlying the network full stop। देखो इसमें आपने क्या लिखा है कि दिस लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड मैसेज ट्रांसफर कैपेबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द अंडरलाइन द नेटवर्क। यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि जो हम मैसेज ट्रांसफर करते हैं उसको एंड टू एंड लेयर क्या करता है ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है नेक्स्ट डाल लेना TCP। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लिख लो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP is a standard protocol. TCP is a standard protocol.
यानी टीसीपी क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, फुल स्टॉप। विच एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन एक्सचेंज डेटा फुल स्टॉप टीसीपी वर्क विद द टीसीपी आईपी का फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी विद द इंटरनेट प्रोटोकॉल विच डिफाइन हाउ कंप्यूटर सेंड प्रोडक्ट ऑफ डेटा टू ईच अदर लिख लिया।
अब देखो टीसीपी क्या होता है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यानी इंटरनेट से आप कई नेटवर्कों को कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने कोई एक सिस्टम बना लिया, ठीक, इसको आपने सर्वर बना लिया, और इस सर्वर से आप जितने सिस्टम कनेक्ट करना चाहो उतने सिस्टम को आप कनेक्ट कर सकते हो। और इन सबका डेटा किसके अंदर स्टोर हो रहा है, जो आपने एक मेन सर्वर बना रखा है उसके अंदर ये डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डाल लेना हेडिंग यूडीपी। यूडीपी यूडीपी ये पढ़ाएंगे आपको मंडे की क्लास में। हेडिंग डाल लीजिएगा यूडीपी, फॉर्म लिख लीजिए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यहीं से आपका स्टार्ट करेंगे मंडे को। यूजर डेटा ग्राम